बिहार गांव में आए हुए हैं, जहां पर ये मोदी सरकार की तरफ से कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जो बीजेपी सरकार की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को यहां पर दिया जाएगा। जैसे बैंक खाता खुलवाना है, या जीवन बीमा योजना है, या उज्ज्वला योजना है, या जो आधार कार्ड की है, ये सारी सुविधाएं यहां पर दी जा रही है। ये कैंप यहां पे लगाया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वाला चाहे वो यहां पर आके अपना 10,000 का लोन ले सकता है, जो भी हमारी बहन चाहे वो उज्ज्वला का कनेक्शन यहां ले सकती है। आधार कार्ड बनवाना है वो भी यहाँ पे बनेगा। हमारी यहाँ पे डिस्पेंसरी भी खड़ी है, हजारों की तादाद में यहाँ पे सारी हमारे बहने हमारे के वासी आए हैं, बिहार गांव के वासी आए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का हमारे गांव की तरफ से, सुभाष नगर की तरफ से नए दिन से धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मोदी जी ने आज हमारे काम करवाए, आज लगातार मोदी जी आपके बीच में है। यहाँ पे माननीय सांसद सुरेश शर्मा जी की भी गाड़ियाँ यहाँ पे सभी आ गई हैं, माननीय सांसद जी का भी स्पेशल, सुरेश जी का भी पूजा किया गया, फॉर्म भरना है आपके घर के अंदर, आपके द्वार पे आके किसी आपके घर पे आके आपका फॉर्म भर रहे हैं। मेरा सभी रेहड़ी पटरी वालों से, सभी लोगों से ये कहना है, सभी आकर के अपना फॉर्म भरे। धन्यवाद। टीवी का भी है प्रबंध, टीवी का है Oh,
शुरू ही अनेक योजनाओं बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र चलाई जा रही है हमारी जो पार्टी है आवास योजना पे हमें उस हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो व्यक्ति उसके हकदार है। पे आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं अंतिम पंक्ति के नजर आ रहे हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे देंगे? जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना है, दूसरा स्वास्थ्य योजना है, तीसरा अगर कोई रेहड़ी पटरी वाले को किसी को 10,000 का जो तुरंत लोन चाहिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगी हमारी यहाँ पर, और बाकी और लोन योजना है जिसका आयुष्मान कार्ड 5 साल के लिए जो मोदी ने दिया उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन वो दिल्ली में तो सरकार ने दिल्ली ने नहीं किया हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने तो बहुत प्रोटेस्ट भी किया इसके लिए, इसको लागू करो, मतलब देखते हैं कहीं से जो बाहर से है उनके बनते हैं यहाँ पे कार्ड आयुष्मान कार्ड है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू, लेकिन वो यहाँ बना सकते हैं क्या बाहर वाले लोग? हाँ जी बाहर वाले, जैसे कोई बिहार से आया बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते। हमारे साथ मीडिया प्रभारी अमरजीत जी है, अमरजीत जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी की गारंटी है भारत विकास यात्रा और सुभाषनगर मंडल में हरिनगर विधानसभा में आई है। इस विकास यात्रा में कई तरह की गाड़ियाँ आई हैं जिसमें बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वैन लगी है, उज्ज्वला योजना के उसके बाद आप देखेंगे डाक जीवन बीमा, आप वहाँ जाने के लिए यहीं से सभी जगह चल रही है, और ये योजना जो मैंने आगे एक महीने तक आगे भी आती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले अपना नाम बताइए। राजन सोनी। हाँ जी वाइनर मंडल से क्वेश्चन है। हाँ जी भाई, ये जो मोदी जी की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सारी जन कल्याण के लिए हैं। जो जो योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही हैं उसके लिए अनुरोध करेंगे मोदी जी से कि यहाँ पर कोई देखा जाए पूरी योजनाओं को भी लागू करने के लिए, क्योंकि निचला वर्ग या गरीब वर्ग का है तो यहाँ पे दिल्ली में भी हो जाता है। दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पेंशन के लिए जो है उसके लिए कोशिश पूरी की जा रही है, एमपीटी से ही बात की जा रही है, जो रोकी गई है पेंशन अभी, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि नहीं ये तो एलजी ने रोकी। कोई भी अधिकारी दिल्ली अधिकारी सामने नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक अधिकारी सामने नहीं आएंगे तब तक बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसके लिए भी बात आगे तक पहुँचाई गई है, देखो उसको भी जल्दी निकलना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। संजीव मेहता, मंडल में महामंत्री हूँ, और जो अपना मोदी जी की छुट्टी भी योजना है जो भी केजरीवाल ने रोक रखी है वो सारी 2024 में लागू हो जाएगी, जबकि केजरीवाल का यहाँ से सफाया हो जाएगा। केजरीवाल के सफाया होते ही सबको पेंशने, और ये जो आयुष्मान योजना इसने रोक रखी है जो इससे लोगों का इलाज भी हो पा रहा, 5 लाख की योजना जो है वो मोदी ने दे रखी इलाज के लिए और केजरीवाल ने रोक रखी है, ये सारी की सारी योजनाएँ जो है आपको 2024 में बीजेपी की पार्टी आते ही ये सारी योजनाएं आप लोगों को मिलने लगेंगी। लेकिन वो तो फ्री का लालच देकर चला आ जाएगा, लालच में ही तो लोगों को मारते हैं ना, लालच के बाद उसे किया गया सिर्फ झूठ का वो एक धंधा है जो उसने अपना शीश महल खड़ा कर लिया है 50 करोड़ का, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। साथी देख लो सारे एक एक करके जेल में जा रहे हैं और इसका भी नंबर बहुत जल्द लगने वाला है। मैं तो यही कहूँगा जल्द से जल्द इसको भी गिरफ्तार करें और अंदर डालें। आप कुछ कहना चाहते हैं? है ना, ये चाह रहे हैं आपको, मेन बात तो यही है कि जो मोदी जी की नीतियाँ हमारे पास आई है ये जितनी भी नीतियाँ हमारे देश को विकसित बनाने वाली नीतियाँ, जब तक हमारा देश का निचले स्तर का जो व्यक्ति है जो लोग आपके सामने खड़े हैं जब तक ये संपन्न नहीं होंगे तब तक देश कभी विकसित नहीं होगा। मोदी जी की जो नीति है नीतियों को पहुँचाना, आप देखिए 10,000 रुपये का जो लोन है, जो बेचारा रेहड़ी पटरी वाला जो अपना खाने कमाने के लिए घर से निकलता है उसका अगर एक 10,000 की सहायता पहुंच जाती है तो उसके रहन सहन का जो तरीका है वो बदल जाएगा। वो 10,000 रुपये की पटरी लगा के और रोज 200, 400, 500 रुपया, 1,000 रुपया रोज कमाना शुरू कर दे तो
का अपने आप ही जीवन स्तर ऊंचा होगा। जिस दिन उस व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो गया तो भारत अपने आप विकसित बनेगा। मोदी जी ने जो टारगेट दे रखा है कि 2047-2050 से पहले पहले भारत को एक विकसित देश बनाना, तो ऐसी अगर योजना चलेगी आम आदमी तक अंत्योदय तक अगर ये योजना पहुंचेगी तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि भारत वर्ल्ड की नंबर वन शक्ति ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। भारत 2050 तक जो मोदी ने टारगेट रखा है, इस गति से भारत 101% विकसित देश बनने के लिए तैयार है। उसकी नींव पड़ चुकी है। आपने अभी भी कुछ न्यूज पेपरों में देखा होगा, पिछले 2 साल के अंदर 13.5 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर हुआ। कैसे हुआ? दो सालों में इतना असर आया, 13.5 करोड़ गरीब आदमी गरीबी रेखा से ऊपर आ चुका है। उसको अपने खान पीन के लिए खाने को सब कुछ मिल रहा है, वो कमा रहा है। यही योजना है उनकी। मैं यही कहना चाहता था कि मोदी जी का साथ 2024 में दीजिए, ताकि आने वाला भविष्य आपका उज्ज्वल हो। हमारे आप देखिए, हमारी बहनें खड़ी हैं, इनको अगर घर में जो लकड़ी का चूल्हा भूखती थी, अगर इनके घर में गैस का कनेक्शन चला जाएगा तो इनके जो चेहरे या कैसे चलेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो मोदी जी ने पकड़ी है। छोटी सी बात है, घर में एक टॉयलेट का बनाना, किसकी सोच आई है? ये पिछले 70 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, किसी की सोच में नहीं आया कि एक शौचालय भी होना चाहिए। इन भाइयों को जो सम्मान मोदी जी ने दिया आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, चाहे वो नेहरू परिवार हो चाहे गांधी परिवार हो, सारी उम्र लगे रहे मगर इन्होंने हमारी बहनों का सम्मान नहीं किया। बहनों का सम्मान किया तो सिर्फ मोदी जी। शपथ लेते हैं बोलो, भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सिलेंडर भी हो रहे भैया, ये क्या सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ पे? कितना लोन दे रहे हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और ये हेल्थ चेकअप कैंप भी है जहाँ पे ये लोगों के बीपी वगैरह चेक किए जा रहे हैं और अन्य सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। और ये जो रेडी पटरी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके लिए लोन की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध की जा रही है। और रसोई गैस के लिए उज्ज्वल योजना यहाँ पे उसका कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे गंदगी भारी पड़ती थी शहरों और कस्बों पर, आज अमृत अपने हाथों से कर रहा है उन्हें पुनर्जीवित। चौक चौराहे